कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटना सामने आती है। बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे प्रदेश की मुखिया को इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ये कांग्रेस सरकार गिर रही है? अगर ये कांग्रेस सरकार गिर रही है तब बात करेंगे, अभी ऐसी कोई बात नहीं। आप कहते हैं चेहरे इतने हैं तो अच्छा है ना, इतनी लीडरशिप है हमारी पार्टी में, ये तो अच्छे संकेत है, इसमें गलत क्या है? हम लोग लड़ थोड़ी रहे आपस में इनकी तरह, एक साल से कुर्सी बचाने का झगड़ा। और जो ये प्रदेश की मुखिया है ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोरोना काल में भी ये अपनी कुर्सी बचाने की चिंता इनको ज़्यादा है, जनता के विकास की और जनता के स्वास्थ्य के बारे में ये बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति भी, जिस तरह से घटनाएं रोज़ाना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटना सामने आती है, बहुत ही चिंता का विषय है। और हमारे प्रदेश की मुखिया को इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको बहुत ही संवेदनशील मानकर इन पे सभी पे जिस इस तरह के तथ्य होते हैं, आपराधिक तथ्य होते हैं, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जगह जगह पे कहीं पर एससी वर्ग पे कोई जो हुआ है झालावाड़ में बहुत गलत हुआ है, और जगह जगह पे जो हमारे बच्चियों के साथ और हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रेप्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत ही दुखद है। ये राजस्थान इसके लिए मशहूर नहीं था, लेकिन अब आज की तारीख में है राजस्थान रेप कैपिटल है पूरे देश का। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, सतीश पूनिया और चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी चुनाव थोड़ी हो रहा है। क्या चुनाव हो रहा है? क्या ये कांग्रेस सरकार गिर रही है? अगर ये कांग्रेस सरकार गिर रही है तब बात करेंगे, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग आज भी मैं यहाँ दौसा में कार्य समिति के उपलक्ष में आई हूँ और हम लोग अपनी पार्टी, हमारी पार्टी देखो आप, ऐसा नहीं होता कि कोई एक चेहरा है या वो चेहरा है, हम लोग कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है। जब एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बात है हमारी पार्टी में। और अगर आप कहते हैं चेहरे इतने हैं तो अच्छा है ना, इतनी लीडरशिप है हमारी पार्टी में, ये तो अच्छे संकेत है, इसमें गलत क्या है? हम लोग लड़ थोड़ी रहे आपस में इनकी तरह। देखिए ऐसा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है, जब चुनाव आएगा तब ये निर्णय जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और हमारा राष्ट्र नेतृत्व है ये निर्णय लेंगे जब समय आएगा। मैम, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बड़ी एक मुहिम पूरे देश में शुरू हुई है, क्या आप मानते हो किस तरह का कानून होना चाहिए और कानून तोड़ने के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का ये कानून धीरे धीरे लाया जा रहा है, वहाँ तो आ भी गया है कई चीज़ों में ये कानून। हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो ये एक स्तर पे वो लेके भी आए हैं इसको, और कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस तरह का अगर कुछ हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, पर इसमें क्या है, सोच समझ के ये बनाना पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। और जनसंख्या, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सभी को इसमें सहयोग करना होगा और हम सभी की भागीदारी है, और हम ही सब सोचें कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं, जो सब जॉब्स की कमी आ गई है, पानी की कमी, घर की कमी, हर चीज़ की कमी, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है, तो इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे समय पर तो फिर आगे आने वाले समय पर इसमें दिक्कत बहुत आएगी। 7 महीने हो गए किसानों को, अब वो चीज़ तो जो भी है वो हमारा राष्ट्रीय जो हमारे नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे जो भी कुछ होगा। देखिए अब उनकी बात, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, उनकी राजनीति अलग तरीके की है और वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो सहयोगी दल के रूप में थे और आज उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी बार बार केंद्र सरकार पर हमला करते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि वैक्सीन आपके पास 2 महीने थे, आप प्रोक्योरमेंट तो कर नहीं सके वैक्सीन का कहीं भी, और फिर अब कभी तो पहले आप बुराई करते हो वैक्सीन की कि मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाई है, इसका भरोसा मत करना। फिर जब वैक्सीन आती है फिर बोलते हो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। वैक्सीन पूरी तरह से केंद्र भेज रहा है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ये बीड़ा लिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है उन्होंने, मैं उनको कोटि कोटि आभार उनका व्यक्त करती हूँ।